नमस्ते सभी को। तो हम लोग अभी लेक्चर टू डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग शिफ्ट की बात कर रहे थे कि इस पूरे कंटेंट से परिचित होने से पहले हम कहाँ खड़े थे और अभी तक जितना हमने वर्कशॉप अटेंड किया, मीटिंग किया, उसके बाद अभी हम कहाँ खड़े हैं। तो ये कुछ शिफ्ट हमारे ध्यान में आए थे जिसको हम लोगों ने कल शेयर किया था, डिस्कस किया था और कल एक असाइनमेंट भी लिया था कि इसी को और हम अगर बारीकी से देखें तो और क्या ऑब्जर्वेशन से अपने। मेरा एक क्वेश्चन है कि जिसे हम स्टार्टिंग से सेल्फ और बॉडी को तो समझते हैं कि ये अलग अलग दो चीजें हैं। सेल्फ जो है वो एनर्जी है जो बॉडी को ड्राइव करती है, तो इसमें इन दो चीजों के बारे में हमें क्यों समझना चाहिए वो तो हमें सभी बताते हैं, लेकिन ये स्पेस जिसमें ये यूनिट सबमर्ज्ड है इसके बारे में अवेयरनेस हमें, मतलब इसको क्यों ऑब्जर्व करना है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा क्वेश्चन। जी, तो पहली बात को देखें ना, तो सेल्फ एक एनर्जी है और जो बॉडी को चला रहा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है उसमें एनर्जी तो जरूर है पर सेल्फ एक यूनिट है जो शरीर से भिन्न है। इसको भी हम और बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे HV3 के लेक्चर से गुजरते हुए और अभ्यास को भी करते हुए, एक तो इस पर स्पष्टता बनेगी, फिर उस पर आपके अंदर कुछ प्रश्न भी बनते हैं कि कैसे ऐसा है कि सेल्फ में ये सहज स्वीकृति बनी हुई है, कैसे ऐसा है कि शरीर एक निश्चित व्यवस्था से काम करता है, कैसे ऐसा है कि प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है, कैसे हर इकाई ऊर्जित बनी रहती है, कैसे परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है, नियंत्रित आचरण के साथ बनी रहती है, इसका आधार क्या है। एक सहज सा प्रश्न है जो हमारे अंदर उठता है जब हम इसको बारीकी से देख पाते हैं कि देखो कैसे पूरी प्रकृति व्यवस्थित है, कैसे सेल्फ में भी व्यवस्था है। जैसे ही मैं कोई अव्यवस्था का भाव या विचार लाता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ, संबंध का अव्यवस्था का भाव और विचार बना रहता है सुखी रहता हूँ, इसका आधार क्या है। जब उस आधार को जांचने परखने जाते हैं तो शून्य को समझने की तत्परता बनती है, तो हमें दिखता है कि पूरी प्रकृति किस प्रकार शून्य में संपृक्त है और इस प्रकार ही व्यवस्थित है, नियंत्रित है, ऊर्जित है। तो उस आधार को समझने के क्रम में शून्य को समझने की आवश्यकता दिखती है। जी, इसको और आपके अंदर जब इस तरह के प्रश्न बनने लगते हैं ना तो उसका उत्तर भी मिलना जरूरी है। प्रकृति व्यवस्थित है, प्रकृति में परस्पर पूरकता है, ये सब हमने सुन लिया, ये अपने को आंखों से दिखाई भी दे रहा है काफी हद तक, परंतु इसका आधार क्या है, कैसे ऐसा है, इसका आधार मींस कि जो स्पेस है वो इसको एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इनफैक्ट शून्य तो क्रिया शून्य है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई बेस प्रोवाइड कर रहा है ऐसा नहीं, बेस में है, आधार में है। ठीक है, मतलब हमने उसको कंसीडर करना है इन सबकी जो भी हार्मनी में ये चीजें चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ, इनफैक्ट कंसीडर भी नहीं करना है, जब देखने जाते हैं तो ये भी दिखाई देता है क्योंकि अस्तित्व का भाग ही है ये। जी ठीक है भैया। और एक क्वेश्चन और है कि जैसे मतलब कई ऐसे कोच में बोलते हैं कि जब एक फूल नहीं खिलता तो हम एनवायरनमेंट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि इसको ये इतना हवा पानी या इतना ये ह्यूमिडिटी या सनलाइट चाहिए, तो ह्यूमन बीइंग का भी एनवायरनमेंट कंसीडर होना चाहिए ऐसे बोलते हैं जी। तो इसका कितना रोल है एनवायरनमेंट का? तो यदि हम अपने विकास के लिए देखें तो तीन चीजों का रोल है। एक तो हमारा अपना जो पूर्व का संस्कार है, यानी जितना भी हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारे मानने का क्रम है, जानने का क्रम है, ये सब हमारा जो पूर्व संस्कार है वो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा जो वातावरण है, परिवार के भीतर, समाज में, है ना, तंत्र में, ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है, ये दूसरा उसका भाग है। और तीसरा, इस फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस से, फॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, तीनों का ही रोल है।
तो जो हमारा विकास होता है उसमें इन तीनों की भागीदारी होती है। जैसे अगर हमारा पूर्व का संस्कार ही अभी पुष्ट नहीं हुआ है, हमारा ध्यान नहीं गया है व्यवस्था की ओर, संबंध की ओर बिल्कुल भी नहीं गया है, तो भले ही वातावरण बहुत अनुकूल हो, शिक्षा बिल्कुल अनुकूल हो, बट हम ध्यान देने के लिए तत्पर नहीं हो पाते। हमारा संस्कार पुष्ट है, हम ध्यान देना चाहते हैं, है ना, परंतु उसके लिए उपयुक्त शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, हाथ पांव मारते हैं, परंतु चूंकि उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही इसलिए हम अपना विकास उस गति से नहीं कर पाते। ये भी हो सकता है शिक्षा भी मिल पा रही है, हमारा संस्कार भी अनुकूल है, बट वातावरण जिस प्रकार से बना हुआ है हम बहुत सारी अनावश्यक चीजों को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, उससे भी हमारा विकास बाधित होता है। इन तीनों का ही रोल है जी। तो ये हम लोग कल बात कर रहे थे कि एचवी2 से पहले मानव को ऐसा हो सकता है शिव शरीर मान के जी रहे थे, है ना, और इसका पता भी नहीं था, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है कि माने भी हुए हैं और पता भी नहीं है, बस आदमी के साथ जी रहे हैं, कुछ माने हुए हैं, क्या माने हुए भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंटेंट से गुजरने के बाद दो तरह की वास्तविकताओं पर ध्यान जाता है, कि कुछ मैं जैसी एक वस्तु है, अब वो क्या है, जैसे अभी जो शेयरिंग वनीषा जी कर रही थी, तो हम उसको कुछ वहां पे भी मान लेते हैं कि एनर्जी है, कुछ है, है ना, तो उसको भी और एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। बट मैं जैसी एक इकाई है और शरीर है और इन दोनों का सह अस्तित्व है, ये तो ध्यान में आता है। जहाँ अस्तित्व को हम जड़ मानकर जी रहे थे और ये भी पता नहीं था कि जड़ ही माना हुआ है या क्या माना हुआ है, हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ था, बट जब भी उसके बारे में चर्चा करनी होती थी तो जड़ से जुड़ी चीजों को हम रेफरेंस बना के चर्चा करते थे, है ना। उसके स्थान पर अब ये तो अपने को पता लगा है कि स्पेस है जो हर जगह व्याप्त है, इकाइयां हैं जो स्पेस में बनी हुई है, और इकाइयां दो प्रकार से, जड़ और चैतन्य। और स्पेस को भी अगर हम पहले कोई बात करते थे तो स्पेस का मतलब लगता था कि वो जो ग्रहों के बीच जो कुछ बना हुआ है, जो गैलेक्सीज हैं जहां बनी हुई है ना, उसको स्पेस मानते थे। अब पता लगता है स्पेस तो हर जगह व्याप्त है, ये अपने ध्यान में आया होगा। और वैसे ही देखें तो लाइफ का पर्पज क्या था, अगर उसको देखें तो कहीं ये कोई संवेदना पाकर या दूसरों से भाव पाकर सुखी होने के क्रम में था, इसलिए पर्पज में क्या बना हुआ था कि अधिक से अधिक धन संग्रह कर ले, है ना, कोई पद हासिल कर ले, नाम कमा ले, कि नहीं, ऐसे ही कुछ लक्ष्य बने हुए थे। अब अपने को दिखता है कि बेसिकली मैं सुखी होना चाहता हूँ। ये बात हमने जिन स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा रहे हैं उनके साथ मैंने फीडबैक में कई बार सुना कि बच्चे कहते हैं, बाद में भी कहते हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ लेते हैं, SIP में सुनते हैं, बाद में थर्ड एंड फोर्थ ईयर में आकर कहते हैं कि एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कि बेसिकली मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये फोकल पॉइंट है। इस चीज़ को अपने ध्यान में बना रहता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, इसलिए कुछ भी करना है तो इस चीज़ को देखते रहना है कि मैं सुखी हो पा रहा हूँ कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि भटक जाएंगे कि जॉब लेनी है, प्लेसमेंट होना है, पैकेज पाना है, विदेश जाना है, बट ये भूल गया कि सुखी होना है, ठीक है ना। तो ये भी एक बात महत्वपूर्ण है। और ये भी दिखता है कि सुखी होने का मतलब कि हार्मनी में जीना है, ये भी एक मेजर टेक अवे के रूप में अपने को दिखाई देता है। और जहाँ पहले जीने का कार्यक्रम सुविधा संग्रह से जुड़ा हुआ था, उसी से सारा सुख जोड़ के देखते थे, और उसकी भी सीमा तय नहीं थी कितनी सुविधा संग्रह। जैसे अभी कई बार जब इंडक्शन प्रोग्राम में एक बड़े समूह में बच्चों को एड्रेस करना होता है, समय कम होता है, तो कुछ प्रश्नों से ही शुरू करते हैं। जैसे कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि आप में से कितने लोग बिलियनेयर बनना चाहते हैं, लगभग सभी बच्चे हाथ उठाते हैं। अगर 500 बच्चे सामने बैठे हैं, सभी हाथ उठाएंगे, हाँ बिलियनेयर बनना चाहते हैं। फिर आप उनसे पूछिए कि आप में से कितने लोग सुखी होना चाहते हैं, फिर सभी हाथ उठाएंगे। फिर आप पूछिए कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक बार बिलियनेयर बन गए तो निरंतर सुखी रहेंगे, कोई हाथ नहीं उठाता। तो क्या हो गया है कि अभी हमारे ध्यान में ही नहीं है कि हम बेसिकली चाहते क्या है, बिलियनेयर बनना चाहते हैं या सुखी होना चाहते हैं। जब कोई पूछता है तो बताते हैं, और दोनों में कोई संबंध है कि नहीं इसको भी नहीं देख पाते हैं। तो पहले जो कार्यक्रम था वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ था कि सुविधा संग्रह कर लें, वो भी असीमित। अब दिखता है कि नहीं, सुख का मतलब तो हार्मनी को समझना, हार्मनी में जीना है, और वही मेरा कार्यक्रम है। अब इस हार्मनी को समझने के क्रम में हम सबकी अपनी अपनी स्थिति और गति हो सकती है। कोई सेल्फ को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई परिवार में संबंधों को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहा है, कोई समाज में न्याय को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि वहाँ हार्मनी हो जाए समाज में, कोई प्रकृति के किसी एक भाग को लेकर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये तो हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, परंतु ये तो अपने ध्यान में आता है कि एसेंशियली सुख सुनिश्चित होगा तो इसी से होगा। इतनी बात कल हम लोगों ने की थी, और ये अपेक्षा कि कम से कम आधा घंटा हम अलग से लगाएं
किसी पर ध्यान देने के लिए, उसको नोट करने के लिए, तो हम सबके विकास के लिए उपयोगी होगा। और ये आधा घंटा हम दिन में कभी खाली बैठे हैं तो निकाल लें, अगर जॉब पे जा रहे हैं तो रात को सोने से पहले निकाल लें, है ना, या कभी अपने साथ बैठने का अवसर मिलता है तो यार टास्क नहीं अपने पास तो निकाल लें और उसको नोट कर लें, तो एक बार देख लें कि क्या असाइनमेंट है आज दिन भर के लिए, और उसको बैठ के इत्मीनान से कर लें, तो क्रमशः स्टेप बाय स्टेप हम कैसे अपने आप में गति कर पा रहे हैं वो भी देख पाएंगे, और कहाँ हम फंस जा रहे हैं, कहाँ हम उलझ जा रहे हैं उसको भी नोट कर पाएंगे। इस पॉइंट पे तो मैं क्लियर हो पा रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं उलझ जा रहा हूँ। जी बढ़िया, तो इतनी चर्चा के साथ भैया आगे चलते हैं। जी भैया, अगर जैसे सामने वाले की कोई मान्यता है उसके यहाँ पे अगर वो नहीं कर रहा तो उस केस में क्या करना चाहिए भैया? देखिए, मानने से जानने पे जाना है, यही हम सबके लिए कार्यक्रम है। तो क्या हुआ है, जो भी बात हो रही थी ना कि हमारा अपना कुछ पूर्व संचित संस्कार होता है, फिर कुछ हमें शिक्षा मिलती है और हमारा एक वातावरण होता है, इन सब के योग संयोग में हमारा अपना नया संस्कार बन जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगला व्यक्ति किसी जॉब में आया और बड़े ही अच्छे भाव से उसने भागीदारी करनी शुरू की, बट उसके बाद उसको लगा कि इसका फल परिणाम तो बुरा हो गया, ठीक है ना, और उसने फिर तुलना की कि जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका क्या हुआ, जिन्होंने ऐसा किया उनका क्या हुआ, तो हमने खूब मेहनत की हमारा प्रमोशन नहीं हुआ, जिसने चाटुकारिता की फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो उसका प्रमोशन हो गया और उसके लक्ष्य में बना हुआ प्रमोशन, शिक्षा को अभी वो लक्ष्य के रूप में नहीं देख पा रहा, शिक्षा का जो प्रयोजन है वो समाज में परिमार्जन लाना है, शिक्षा का प्रयोजन किसी और रूप में देख रहा है, अब ये सब उसके जो गहरे संस्कार है अपने ध्यान में आ जाते हैं, तो उस पर हम काम करेंगे। उसमें एक अच्छा विधि तो ये है कि जिस भी शिक्षा तंत्र में हम बैठे हुए हैं वहाँ सभी के साथ इन सारे मुद्दों पर खुल के चर्चा हो, वर्कशॉप, तो कई सारी चीजों के लिए जिसके लिए हमको अलग से प्रयास करना पड़ता है वो एक ही वर्कशॉप में हो जाता है। जी भैया, जी प्रणाम भैया, प्रणाम। ये यूएसपी से पहले और के बाद में तो परिवर्तन तो काफी हुआ, इसमें सबूरी बढ़ी, ये भी समझ में आता है कि बॉडी और सेल्फ अलग अलग, लेकिन भैया जब प्रोग्राम बनाने की बात पे आते हैं ये तो बात क्लैरिटी होती है कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन प्रोग्राम की बात पे आता है कि 10 में से 8 बार तो सोचते नहीं नहीं ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी से कंटिन्यूअस हैप्पीनेस नहीं मिलती है और उसको अपना इग्नोर कर देते हैं, बॉयकॉट कर दिया उस चीज को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं लगता कि नहीं नहीं फिजिकल फैसिलिटी से हैप्पीनेस जो मोमेंटरी एक्साइटमेंट है उसको लेने का प्रयास करते हैं, और ये घटना कई बार होती है, कई महीनों से चल रहा है इस तरीके से कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो अवॉइड करते हैं, नहीं फिजिकल फैसिलिटी से नहीं मिलना है तो अपना प्रोग्राम हमको इस पे धारण नहीं करना है, इस पे नहीं बनाना है, लेकिन कभी ना कभी चूक जरूर हो रही है कि नहीं चलो ठीक है इस बार फिजिकल फैसिलिटी से हैप्पीनेस ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा सा समझ सही नहीं आ रही है, ये इसमें क्या करें, इसमें कभी कभी गलती हो रही है इस तरीके से। जी, इसमें मूल बात यह है ना कि ये बात अपने को ध्यान में आया है कि शरीर से मिलने वाली संवेदना जो है वो निरंतर सुख का आधार नहीं हो सकता, तो कई बार जब हम उसको पूरा करते हैं तो अंदर ग्लानि भी होती है कि देखो ये है तो नहीं, हमने इसके लिए समय लगा दिया, प्रयास कर दिया, बट यदि ये सुख का आधार नहीं है तो सुख का आधार क्या है वो हमको अभी दिखा नहीं स्पष्ट रूप से। तो करने का काम ये है कि जो सुख का निरंतर आधार हो सकता है उसको हम देखने का समझने का प्रयास करें। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीजों को निषेध करने जाते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं, इसको रोकना है, इसको बंद करना है, उसको बदलना है, बट जो सही है, जो करने योग्य है वो अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी क्या प्रोग्राम बनाए कि वही आप प्रोग्राम तो बना ही रहे हैं, आप रोज सुबह में जुड़ रहे हैं ना, घंटा घंटा समय लगा रहे हैं, कई बार आप हिंदी अंग्रेजी दोनों सत्रों में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, बट वही है अभी हमारा बहुत सारा पुराना संस्कार है जिसका अभी हम मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं, है ना, तो समय तो लगता ही, हम सबको लगता है, आप इसको और विधिवत कर पाए, जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उसको भी हम अपने आप में पूरा कर पाए, और कई बार ये होगा कि कुछ चीजों को हम इग्नोर करते हुए चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सुबह के सत्र में हम जुड़े, अभी एक घंटे में हो सकता है हमारा ध्यान बहुत बारीकी से जाता है, बहुत सारा जो हमने कल निर्वाह किया उसको लेकर अपने अंदर प्रश्न उठते हैं, ग्लानि होती है, कई बार पीड़ा भी होती है, बट जब फिर दिन भर का समय मिलता है तो हमारे ध्यान से बहुत सारी चीजें हट जाती है ना, वो जैसे बात होती है कि जब बैलगाड़ी चलती है कच्चे रास्ते पे बरसात के समय में खांचे बन जाते हैं जी, अब जब बरसात चला गया बट खांचे तो बने रहते हैं, बैलगाड़ी दोबारा वहां से गुजरती है वापस खांचे में चली जाती है, तो अभी जब दिन भर का हमारे पास 23 घंटे का समय मिलता है
हमारी बैलगाड़ी वापस खांचे में चली जाती है। सही बात है कि नहीं, तो बस होश बना रहे है ना कि भाई समतल जो रास्ता है उस पर चलना है, खांचे में नहीं फंसना है। नहीं सही बात है, अभी पहले तो 10 में 10 गलतियां हो रही थी, लेकिन अब ये है कि कभी भी एक दो गलतियां हो जाती हैं और फिर बाद में वही बात है, रिग्रेट होता है कि अरे इसे नहीं मिलना था, फिर वही प्रोग्राम बनाया आपने, फिर वही प्रोग्राम बनाया, तो वो गलतियां तो कम है। लेकिन ठीक है, प्रोग्राम आप जो बता रहे हैं इसको कंटिन्यू रखे, इसको मॉनिटरेशन के साथ साथ बाकी वॉलंटियरिंग में भी। देखिए जैसे अभी हम लोग सुबह में 1 घंटा लगा रहे हैं ना, दिन भर में भी कम से कम आधा 1 घंटा तो लगा रहे इस पे, जो हम जैसे अभी सुबह में संवाद हो रहा है और 1 घंटा हम अपने आप में संवाद करने में लगाए, ठीक है ना, उसको ऑब्जर्व करने में, तो काफी उपयोगी रहेगा और लगा सकते हैं। ठीक, थके लगा दे है ना, जब भी खाली बैठे हैं वो 1 घंटा अपने साथ लगाएं, जब भी लगे कि अब थक गए हैं मनोरंजन करना है, मनोरंजन करने की जगह अपने आप में समय लगा दे। एक बार हमको सुख का स्रोत भीतर दिखाई देने लगे तो यही मनोरंजन लगता है, न दिखाई दे तब तक बाहर लगता है। सही नहीं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल एग्री टू बी सहमत इस बात से 100%। बढ़िया भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू जी। तो शिफ्ट 1 की बात करें, यूएचवी 2 का जो फोकस रहा है, और यूएचवी 2 कहें या यूएचवी 1 भी कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि जिन्होंने यूएचवी 2 नहीं किया उनके लिए भी ये बात ध्यान में आ सकती है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। हम में से कुछ साथियों ने फेस टू फेस किया है, कुछ साथियों ने ऑनलाइन ही किया है, तो कुछ लोगों ने कई बार किया है ना, तो इतना तो हम अभी देख पाएंगे। उसका फोकस अगर देखें तो क्या है कि हमारे अंदर जांच परख की प्रक्रिया शुरू हो जाए, एक तो ये बात है, और दूसरी बात अगर हम मानव की बात करें तो मानव जो है सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है, तो अगर ये दोनों बातें ध्यान में आती हैं तो जांच परख करना है अपने आप में, मान के नहीं जीना, जानना है, ये भी एक मेजर बात है ना। तो पहले देखें तो हम मानने फोकस थे या सूचनाओं को इकट्ठा करने फोकस थे, ढेर सारी किताबें पढ़ ली, चाहे हमने विज्ञान की पढ़ ली, अध्यात्म की पढ़ ली, है ना, साहित्य पढ़ लिया, बहुत सारा कुछ पढ़ते थे, सूचनाएं लेते थे और उसको फिर आपस में विश्लेषण करते थे, अपने आप में विश्लेषण करते थे। उसके स्थान पर अपने आप में जांच परख शुरू हो जाए, एक मेजर शिफ्ट ये मिलता है, ठीक है ना। और दूसरा मानव की बात करें तो मैं शरीर को लेकर ध्यान जाता है, तो अगर हम ये मानते हैं कि मनुष्य शरीर है तो फिर जो एक्सपेक्टेशन बनता है ना सुखपूर्वक जीने का, वो बाहर की ओर बनता है, क्योंकि शरीर सामयिक है, अपने सबको पता है शरीर सामयिक है, ठीक है ना, और शरीर से जो कुछ मिलेगा वो भी सामयिक है, तो इस सामयिकता से निरंतरता को कैसे सुनिश्चित करें, तो बाहर से जो अनुकूल मिल सकता है उसको हम जुटाने में लगे रहते हैं, और चूंकि अपने ऊपर ध्यान नहीं है तो जब बाहर से जुटाने जाते हैं हर बार पूरा नहीं होता, कहीं अगला व्यक्ति बाधा बनता है, कहीं समाज बाधा बनता है, कहीं पे प्रकृति में कोई घटना हो रही वो बाधा बनती है, मूवी देखने जा रहे हैं और बारिश हो गई, लगता है देखो बारिश को भी इसी टाइम होना था, बड़ा बकवास मौसम है, बड़ा खराब प्रकृति है, क्या हो गया है आजकल, है ना, मूवी देखने जा रहे हैं अगले व्यक्ति ने रोक दिया, ये कोई टाइम है मूवी जाने का, ये लोग भी जो है मनमानी करते रहते हैं, इनको और कोई काम नहीं है, दूसरों को डिक्टेट करते रहते हैं, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना चॉइस है, हू आर दे टू डिसाइड फॉर मी, है ना। तो हम ये मानने रहते हैं कि आई एम ओके, है ना, जो समस्या है वो दूसरों के साथ है, ठीक, ये दूसरे लोग समस्याकारी हैं, दूसरे लोग समस्या ग्रस्त हैं, मैं तो ठीक ही हूँ, और अगर दूसरा ना हो तो मैं तो बड़े आराम में रहूंगा, ये भी मान लेते हैं कि जब तक ये दूसरा है तब तक मेरा सुख सुनिश्चित नहीं हो सकता। तो समस्या को हम बाहर देख रहे होते हैं, दूसरे मनुष्यों में देख रहे होते हैं, प्रकृति में देख रहे होते हैं, अपने आप को ठीक ही माने रहते हैं। इनफैक्ट इतनी प्रचलित सी मान्यता धीरे धीरे बनती जा रही है आजकल की शिक्षा से, है ना, आई एम द वे आई एम, है ना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, आपको मेरे साथ एडजस्ट करना है तो संबंध रखो, नहीं रखना है तो नहीं करना है तो नहीं रखो। तो ये एक प्रचलित सी मान्यता हो सकती है। तो इसमें हम क्या होता है कि हम जो सुख है वो संवेदनाओं से, सुविधाओं से पूरा करने में लगे रहते हैं। अब इससे जो कुछ ही मिलेगा वो तो क्षणिक है, सामयिक है, कैसे पूरा करेंगे, तो उसको बढ़ाते जाना है, तो लगता है कि अनलिमिटेड है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए कि नहीं, और कार्यक्रम अल्टीमेटली हम जितना कर पाए वो एक बात है, बट कल्पना में देखें तो अनलिमिटेड सुविधाओं की ही इच्छा बनी रहती है ना। तो
तो ये सोचते रहते हैं कौन बनेगा करोड़पति में, हम भी चुना जाते और हमें भी करोड़ मिल जाता। ठीक, करोड़ क्यों, 10 करोड़ मिल जाता। अगर वैसे देखें तो कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दे सकता है। अब दिखता है कि मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, तो जो सुखपूर्वक जीने की इच्छा है अल्टीमेटली वो स्वयं में काम करने से पूरा होगा, बाहर से अनुकूलता पाने से नहीं। इनफैक्ट अभी हम लोग UHV-3 में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको दिखाई देगा कि जो शरीर से मिलने वाली संवेदना एक सूचना है, ये स्वाद जो है एक सूचना है। ठीक, दूसरे से हमें कोई शब्द सुनने को मिलता है, सूचना है, और सूचना को अर्थ मैं देता हूँ। इस पर हम लोग करेंगे अभ्यास, इस पर ध्यान देंगे तो और समझ में आएगा। तो निरंतर सुख का अर्थ इतना हुआ कि हम हर क्षण लय में, सामंजस्य में, व्यवस्था में बने रहे। और सुविधा का भी अब प्रयोजन ठीक से समझ में आता है। पहले क्या था, सुविधा जुटाते भी थे और बहुत जल्द जुटाते थे, ठीक, फिर भी समृद्धि का भाव नहीं होता था। शरीर को बहुत सारा सुविधा जुटा के देते थे फिर भी स्वास्थ्य नहीं बन पाता था। अब क्या आपको दिखाई देगा कि सुविधा की आवश्यकता तो निश्चित है, सीमित है, और तीन ही प्रयोजन है, या तो शरीर के पोषण के लिए है, या संरक्षण के लिए है, या सदुपयोग के लिए है। इसलिए सुविधा की आवश्यकता निश्चित है, सीमित है, सामयिक है, है ना, ये भी बात दिखाई देगी। इसको थोड़ा हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि क्या ऐसा हम देख पा रहे हैं कि सुविधा का तीन ही प्रयोजन है, या तो शरीर के पोषण के अर्थ में है, या संरक्षण के अर्थ में है, या सदुपयोग के अर्थ में है। मतलब फिजिकल फैसिलिटी या तो बॉडी के नर्चरिंग के लिए है, या प्रोटेक्शन के लिए है, या राइट यूटिलाइजेशन के लिए है, और कोई चौथा प्रयोजन है नहीं। अब आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी सुविधाएं जो जुटा ली है हमने घर में, अगर अपने घर में सुविधाओं को भी देखें ना, पता चलेगा बहुत सारी सुविधाएं हमने जुटा ली है जो इन तीनों के ही लक्ष्य में नहीं है, इन तीनों ही प्रयोजनों से नहीं है। तो जिस सुविधा को जुटाने के लिए अभी हम समय लगाने को तैयार थे, अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार थे, अब वो भार लगता है, बोझ लगता है ना, अनावश्यक लगता है। बढ़िया भैया, और एक प्रश्न था जी, कि जो हम ये अजम्पशन देख रहे थे UHV-2 और इसके बाद, तो मैं थोड़ा भाव के पीछे अपने संस्कार क्या है ये देखने की कोशिश कर रहा था, कि जैसे कई बार ऐसे होता है कि ये इंटेंशन हम भूल जाते हैं कि अरे सभी का इंटेंशन अच्छा है, कोई आपको मिसट्रस्ट कर रहा है, कोई आपसे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो आपको बुरा लगता है, तो फिर मतलब एक विरोध का भाव मोमेंटरीली जाग जाता है, तो हम भूल जाते हैं उस टाइम कि ये इनका इंटेंशन नहीं है, ये कुछ उनकी मान्यता बनी हुई है, मगर इसके पीछे जो अपनी मान्यता है वो शायद ये है क्या, मतलब कि हम अपना सुख दूसरे के भाव पे आधारित खोज रहे हैं, तो जो हम अभी मान्यता करके लिखे हुए हैं, जो इसके पहले वाली स्लाइड में आज या कल आपने जो असाइनमेंट भी दिया था, वो सब एक तरह से एक डीप रूटेड संस्कार अपने ऊपर हो गए हैं, ऐसा हम बोल सकते क्या, मतलब ये भाव से संस्कार की जो लिंक है उसको कैसे खोजे। ठीक बात है, इनफैक्ट वही तो मूल काम है। इनफैक्ट दो काम है, एक तो इस भाव के आधार में जो संस्कार है उसको पहचान पाना, और उसमें फिर परिमार्जन कर पाना, यही हम सबके लिए डुएबल काम है। इनफैक्ट हम पाएंगे कि धीरे धीरे, पहले हम बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में थे, वहां से अपने विचार के प्रति सजग हुए, विचार से आगे भाव के प्रति सजग हुए, अब भाव से आगे अपने संस्कार के प्रति सजग होते हैं। कौन संस्कार है जो ऐसे भाव निर्मित कर रहा है, तैयार कर रहा है ना, उस संस्कार को हम जब देख पाते हैं और उसको फिर ठीक से बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, और उसी क्षण अगर हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान देते हैं, तो फिर उसका परिमार्जन हो जाता है। यही करने का काम है, इसमें समय लग सकता है, परंतु हम विचार तक रुक गए तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, भाव तक भी रुक गए तो भी काम आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। संस्कार को देखना जिससे भाव तैयार हो रहा है, और उसमें परिमार्जन कर पाना, ये बारीक काम है। तो हम पहले फल को देख रहे थे जो हमारे आचरण में था, है ना, फल परिणाम, भाई दूसरा हमसे दुखी हो रहा है, ठीक, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, तो फल को देख रहे थे। अब फल से हम आगे बढ़कर पत्तों को देखने लगे, शाखाओं को देखने लगे, फिर तना को देखने लगे, अब उसके जड़ को देखना है। जी भैया,
जी बढ़िया भैया। भैया नमस्ते, सभी भाइयों को नमस्ते। भैया ये जैसे मुफ्त में कोई चीज मतलब बिना मेहनत के पाने का जो प्रयास है, जैसे नेचर में सब कुछ उपलब्ध है, पशु में जाके ऐसे ही मिल जाता है, तो ये जो हम लोग बिना मेहनत का चाहते हैं तो क्या ये पशु चेतना का ही भाग है और उसी में अब भी किसी चमत्कारी गुरु के पीछे लग के या आपसे ही बिना मेहनत के समझ में आ जाए, कुछ बात सुन लें, तो ये सब उसी की टेंडेंसी का पार्ट है कि मेहनत किए बगैर ही मिल जाए? जी इसमें दो भाग है भैया। जैसे एक तो बहुत सारी चीजें सहज रूप से उपलब्ध है, तो व्यवस्था सहज रूप से उपलब्ध है ना, संबंध हमको सहज रूप से उपलब्ध है, शास्त्री तो सहज रूप से उपलब्ध है, इसमें हमको मेहनत भी नहीं करना है, जो उपलब्ध है पहले से ही है, शाश्वत है। जो मेहनत करना है उसको देखने के लिए करना है, तो मेरा जो सुख सुनिश्चित होगा वो देखने समझने से होगा। तो हम दोनों ही भाग को देखेंगे, जो सहज रूप से उपलब्ध है उसको भी देख पाएंगे, स्वीकार पाएंगे, क्योंकि उसको हमको क्रिएट नहीं करना है, हमें व्यवस्था क्रिएट नहीं करना है, संबंध क्रिएट नहीं करना है, शास्त्री तो क्रिएट नहीं करना है, इतना भाग तो ठीक है, बट उसको देखने के लिए जो हमको काम करना है उस पे तो अपने को लगना पड़ेगा। तो जो आप कह रहे हैं उसका एक आशय ये भी है कि हमको ऐसा लगता है बाहर से कुछ अनुकूल हो जाए और हम आराम पा जाए, कोई अनुकूल संवेदना मिल जाए, अनुकूल भाव मिल जाए, उसी के अर्थ में कोई सुविधा मिल जाए, कोई अवसर मिल जाए, है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ उपकार हो जाए, तो ये तो ठीक ही है कि ये जो नासमझी है ना उसी का प्रतीक है, कि नासमझी में हम बाहर कोई अनुकूल घटना के घटित होने से सुखी होने के प्रयास में लग जाते हैं। तो ठीक जी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, बढ़िया भैया जी। भैया नमस्ते भैया जी, नमस्ते भैया। तो जो बात हम लोग भी कह रहे थे बिफोर यूएचपी टू और आफ्टर यूएचपी टू, उसी को इस स्लाइड में भी रखा गया है कि मानव को पहले हम सिंपली एक फिजिकल एंटिटी मानते थे, अब हम सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देख पा रहे हैं। सुख को पहले हम संवेदनाओं से या सुविधाओं से पूरा करने में लगे हुए थे, अब हम उसको देख पाते कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं और उसके लिए जो कार्यक्रम है वो समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों को पूरा करने का कार्यक्रम है। इनफैक्ट जो हम लोग कह रहे हैं कि चार स्तर व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, तो उस क्रम में हम समझ को पूरा कर पाते हैं, संबंध को पूरा कर पाते हैं, सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान कर पाते हैं और उसको भी पूरा कर पाते हैं। जी जी इनफैक्ट आज के लिए आज ये असाइनमेंट रहेगा कि हम अपने आप में कितने शिफ्ट, कितने चेंजेस देख पा रहे हैं उसको लिख लें, और कहाँ कहाँ शिफ्ट नहीं मिल पा रहा उसको भी लिख लें, ये दोनों ही भाग लिख लें आज असाइनमेंट के रूप में, और उसको विधिवत लिख लें हम, और ऐसा नहीं कि हम एक बार बैठे और सारा देख के लिख पाएंगे, अगर इसको हम अपने आप में लोकेट करेंगे, जी लोकेट करेंगे तो धीरे धीरे कई सारे मुद्दों पे ध्यान जाएगा। जैसे आपने शेयर किया कि पहले है ना इस तरह से इरिटेट होते थे, गुस्सा होते थे, अब नहीं होते, किसी को ऐसा होता है पहले बाहर से रिकॉग्निशन पाने की बहुत इच्छा होती थी, अब ऐसी इच्छा नहीं रह गई है, किसी को कोई चीज खाने की इच्छा बहुत होती थी, अब ऐसी इच्छा नहीं रह गई है ना, या घूमने फिरने की बहुत इच्छा होती थी, ठीक, या बैठ के गप लड़ाने की बहुत इच्छा होती थी, अब तो जितने भी तरह के इस तरह के शिफ्ट है ना वो हम एक अपने जर्नल में, नोटबुक में लिखते चलें, और जहां जहां लग रहा है कि अभी भी हम उलझ जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, कहीं संवेदनाओं को लेकर फंस जा रहे हैं, कहीं मान्यताओं को लेकर फंस जा रहे हैं, ठीक, कहीं हम दूसरे से मिलने वाले भाव को लेकर फंस जा रहे हैं, उसको भी नोट कर लें कि ये फंसावटें हैं मेरी, तो इतना शिफ्ट मिल पाया है अभी तक, ठीक, अभी यहाँ यहाँ शिफ्ट मिलना बाकी है, ड्यू है, और इस पर अपने को काम करना है, ये दोनों चार्ट बना लें अपने लिए और उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते चलें, क्योंकि एक दिन में हो सकता है ध्यान में ना आए, कहीं एक महीने में ध्यान आए, कहीं हो सकता है कि कभी कोई घटना सामने आए और तो ध्यान में आए, है ना, तो इसको हम बनाते चलें और हमारे लिए काफी एनरिचिंग रहेगा वो, कि हम कितना पार पा गए हैं, कितना भी पार पाना बाकी है, या कम से कम कितने अगर नहीं भी पार पाए हैं तो कितनी गति कर ली है और कहाँ फंसे हुए हैं, इसको नोट कर लें आज असाइनमेंट के रूप में, कल हम इसको और बात करेंगे तो काफी उपयोगी रहेगा जी। धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी, कि ये जो हमारा क्वालिफिकेशन है यूएचपी 3 के लिए, उसके कुछ बिंदु सामने रखे गए हैं, तो जैसे एक बात तो ये है कि इस पूरे जी अभी तक जितना हमने प्रयास किया उससे हमको ये अगर दिख पाया है कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी के बारे में जितनी बात हो रही है वो हमारे लिए रेलिवेंट है, और ये हमारी अपनी आवश्यकता है इसको समझना,
इस बात को अपने आप में देख पा रहे हैं कि नहीं। एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है UHP3 के लिए कि हम इस चीज को अपने आप में देख पाए। ये जो कंटेंट है पूरे अस्तित्व के बारे में, मानव के बारे में, प्रकृति के बारे में, हमारी भागीदारी के बारे में, ये मेरा एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और मुझे इसको डेप्थ में समझना है। क्या लगता है हमें से कितने लोग इस बात को कंक्लूड कर पा रहे हैं, यहाँ इसे मुझे डेप्थ में समझना है। बढ़िया, तो अच्छी चर्चा रही। असाइनमेंट ये है कि हम जो शिफ्ट अपने आप में देख पा रहे हैं उसको नोट करते चले और जहाँ हम उलझे हुए हैं उसको भी नोट करते चले। जी, आज के लिए असाइनमेंट रहेगा, इसमें लोग लौट के फिर बात करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्ते सर। सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।